हेलो दोस्तों, तो आज की ये वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा खास, क्योंकि आज के हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं मैनचेस्टर ओरिजिनल्स फोर्सेस ओवर इनविजिबल्स के पूरे स्कोर बोर्ड के बारे में। आप सोच रहे हो कि मैंने ये वीडियो तो कल बना दी थी, तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि ये दो चल रहे नेट के, जिसमें से एक मैन का चल रहा है, एक वुमेन का। और वुमेन का मैंने बताया था कल, वो कल शुरू हुआ था मैन का, तो आज मैं मैन की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में ओवर इनविजिबल्स वर्सेस मैनचेस्टर ओरिजिनल्स के मैन के बारे में बताने वाला हूँ पूरा का पूरा स्कोर कार्ड। तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहेगा। तो बिना किसी देरी के शुरू कर देते हैं आज की वीडियो। तो वही बात कीजिए टॉस की, तो मैं आपको बता दूँ कि मैनचेस्टर ओरिजिनल्स ने टॉस जीता और उन्होंने फील्डिंग का फैसला लिया टॉस जीत के। तो टॉस जो जीता उसके पहले ब्लैंक इलेवन के बारे में चर्चा कर लेते हैं, यानी मैनचेस्टर ओरिजिनल्स की ब्लैंक इलेवन के बारे में। तो इनकी ब्लैंक इलेवन में थे फिलिप सॉल्ट, जोस पटला जो कि हमें कैप्टनसी के साथ साथ विकेट कीपिंग करते हुए नजर आ रहे थे, उसके बाद जो क्लॉक, चौथे नंबर पर कॉलिन बनो, पाँचवें नंबर पर टॉम लैम्बोन भी, छठे नंबर पर चार्लोस पैपेट, सातवें नंबर पर कैल्विन हैरिसन, आठवें नंबर पर टॉम हार्डले, नौवें नंबर पर फ्रेड क्लासिन, दसवें नंबर पर स्टीवन फिन और ग्यारहवें और आखिरी नंबर पर मैथ्यू पार्किंसन। तो दोस्तों, ये तो बात कर ली हमने मैनचेस्टर ओरिजिनल्स के प्लेइंग इलेवन के बारे में, जो कि दोस्तों ये थी कल की ब्लैंक इलेवन इनकी। तो दोस्तों, वही बात कही जाए ओवर इनविजिबल्स की ब्लैंक इलेवन के बारे में। तो जैसे कि आप सब लोग अपने स्क्रीन पर साफ साफ देख पा रहे होंगे, इसकी ब्लैंक इलेवन जिसमें थे पहले नंबर पे जसन रॉय, दूसरे नंबर पे विल जैक्स, तीसरे नंबर पे कॉलिन इंग्राम, चौथे नंबर पे लॉरी इवान, पाँचवें नंबर पे सैम ब्लिंग्स जो कि कैप्टनसी के साथ साथ मैच में विकेट कीपिंग भी कर रहे थे, उसके बाद सैम करन, उसके बाद टॉम करन, उसके बाद नितान सोडर, उसके बाद सुनील नारायण, उसके बाद साकिब महमूद और उसके बाद ग्यारहवें और आखिरी नंबर पर रिस टॉप प्ले। तो दोस्तों, जो तो बात कर ली हमने ओवर इनविजिबल्स के भी ब्लैंक इलेवन के बारे में। तो दोस्तों, अब हम लोग दोनों ही टीमों के बारे में ब्लैंक इलेवन की चर्चा कर चुके हैं। तो अब हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं पहले इनिंग के पूरे स्कोर बोर्ड के बारे में। तो जैसे कि आप शुरू के तीन प्लेयर्स को अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो के ओपनिंग की थी जसन रॉय और सैम करन ने। मैं आपको बता दूं कि जसन रॉय ने 12 गेंदों में 20 रन बनाए थे, वो भी 4 चौके चढ़ के, और इन्होंने अपनी इस पारी में एक भी छक्का नहीं चढ़ा था। वही इनकी स्ट्राइक रेट रही थी 166.67 की। वही ये टॉम हार्डले की बॉल पे आउट हो गए थे और इनका कैच पकड़ा था टॉम लैम्बोन ने। वही बात की जाए दूसरे प्लेयर की, तो दूसरे प्लेयर थे सैम करन, जिन्होंने कि 3 गेंदों में 6 रन बनाए थे। वही इन्होंने एक भी चौका नहीं चढ़ा था, डायरेक्ट इन्होंने छक्का चढ़ दिया था। इनकी स्ट्राइक रेट थी 200 की। वही टॉम हार्डले की बॉल पे सैम करन हो गए बोल्ट आउट। तो दोस्तों, ये तो बात कर ली दूसरे विकेट के बारे में भी। वही बात की जाए तीसरे विकेट की, तो तीसरे विकेट की ली थी सुनील नारायण की। मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि सुनील नारायण ने कुल 5 गेंदों में 2 रन बनाए थे, वो भी बिना किसी बाउंड्रीज के। वो इनकी स्ट्राइक रेट रही थी 40 की। वही फ्रेड क्लासिन की बॉल पे LBW आउट हो गए थे। तो जी, तो बात कर ली हमने तीनों के तीनों प्लेयर के बारे में, और जो अगले तीन प्लेयर को आप सब लोग अपने स्क्रीन पे साफ साफ देख पा रहे हो के कि चौथे नंबर पे आए थे विल जैक्स, जिन्होंने कि 9 गेंदों में 15 रन बनाए थे, वो भी एक चौका और एक छक्के चढ़ के। वही इनकी स्ट्राइक रेट रही थी 166.67 की। वही मैथ्यू पार्किंसन की बॉल पे आउट हो गए थे और इनका कैच पकड़ा था फिन ने। उसके बाद आए थे सैम बिलिंग्स, जिन्होंने कि कुल 30 गेंदों में 49 रन की एक बहुत ज़्यादा अच्छी और खतरनाक पारी खेली, और इन्होंने अपनी इस पारी में कुल 4 चौके चढ़े थे। वही इन्होंने अपनी इस पारी में कुल 2 छक्के चढ़े थे। इनकी स्ट्राइक रेट रही थी 163.33 की। वही फ्रेड क्लासिन की बॉल पे आउट हो गए और इनका कैच पकड़ा था चौक लॉक ने। तो जी, तो बात के लिए हमने 5वीं विकेट की। वही बात की जाए छठे विकेट की, तो छठा विकेट गिरा था कॉलिन इंग्राम का, इन्होंने 17 रन बनाए थे, वो भी 17 गेंदों में, और इनके इस पारी में एक चौका शामिल था। वही इन्होंने एक भी छक्का नहीं चढ़ा था। इनका स्ट्राइक रेट था 100 का। और ये फिंग की बॉल पे आउट हो गए थे और इनका कैच पकड़ा था चार्लोस पैपेट ने। तो जी, तो बात कर ली हमने 6 के 6 प्लेयर के बारे में। तो दोस्तों, अब बाकी प्लेयर के बारे में आकर देखते हैं। तो जैसे कि आप सब लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो के कि 7वें नंबर पे आई थी लॉरी इवांस,
जिन्होंने कितों गेंदों में 0 रन बनाए। वही इन्होंने कोई बाउंड्री नहीं मारी और इनका स्ट्राइक रेट भी 0 का था। और जेफिंग की बॉल पे आउट हो गए थे और इनका कैच पकड़ा था फिलिप शॉर्ट ने। और उसके बाद 8वें नंबर पे आए टॉम करन, जिन्होंने कि 29 गेंदों में 18 गेंदों में 29 रन बनाए, मतलब और इन्होंने 3 चौके और 1 छक्का जड़ा। वह इनकी स्ट्राइक रेट रही थी 161.11 की। और मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये आखिरी तक नोट आउट रहे थे, ऐसा कोई गेंद पर पैदा नहीं हुआ कि जो टॉम करन को इस पारी में आउट कर सके। और ये पारी इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी पारी रही थी। तो ये तो बात के लिए हमने 8 प्लेयर्स की, तो अभी 2 प्लेयर्स और आए थे जो कि थे, जैसे कि आप सब लोग अपनी स्क्रीन पर साफ साफ देख पा रहे होंगे कि 9वें नंबर पे आए थे नदान सोर्टर, जिन्होंने कि कुल 2 गेंदों में 4 रन बनाए थे। वही दोस्तों उसके बाद आए थे साकी महमूद, जिन्होंने कि 2 गेंदों में 1 रन बनाए थे। वही नदान सोर्टर ने चार पे 1 बाउंड्री मारी, वो भी 1 चौके के साथ। वही साकी महमूद ने 1 भी चौका नहीं चढ़ा। वही तो नहीं प्लेयर ने 1 भी छक्का नहीं चढ़ा था। जब नदान सोर्टर की स्ट्राइक रेट 200 की रही थी, वैसा कि महमूद की स्ट्राइक रेट रही थी 50 की। वही बात कही जाए कि नदान सोर्टर आउट कैसे हुए थे, तो मैं आपको बता दूं कि नदान सोर्टर फ्लैट कास्टिंग की बॉल पे आउट हो गए थे। वही बात की जाए साकी महमूद की, तो मैं आपको बता दूं कि साकी महमूद आखिरी तक नोट आउट गए थे। और इन सब को देख के स्कोर होता है कुल 145 वो भी 8 विकेट खो के। और वैसे ये सब कुछ आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो के इन्होंने अपनी पारी पे कुल 2 एसेस लिए, जिस कारण 1 वाइड और 1 लैप पाई हुई। भाई स्कोर रहा था पूरा कुल 145 वो भी 8 विकेट गिर के। और पूरे 100 गेंदे खेली थी इन लोगों ने, वो रन रेट पर बॉल थी 1.45 की। वही बात की जाए बॉलिंग की, तो मैं आपको बता दूं कि बॉलिंग कुछ ऐसी रही थी। टॉम हार्डले, जिन्होंने की 20 गेंदे खेले, वही इन्होंने 10 डॉट गेंदे की थी। वही इन्होंने कुल 24 रन दिए और इन्होंने कुल 2 विकेट छटकी। वही बात की जाए दूसरे प्लेयर की, तो दूसरे प्लेयर थे फ्लैट कास्टिन, जिन्होंने की कुल 15 गेंदे की और इस वजह से इन्होंने कुल 5 डॉट गेंदे की। वही इन्होंने कुल 23 रन दिए, वही इन्होंने कुल 3 विकेट भी निकाली। उसके बाद फिन की, तो फिन ने भी कुल 15 गेंदे की, लेकिन इन्होंने 6 डॉट गेंदे की और इन्होंने 23 की जगह 22 रन दिए। वही इन्होंने विकेट भी 1 कम निकाली, जो कि थी 2। वही बात की जाए जोते की, तो जोते थे चार्ल्स ब्रैडफोर्ड, जिन्होंने की कुल 15 गेंदे की और इन्होंने 15 गेंदे खेल के सिर्फ और सिर्फ 2 डॉट गेंदे की। वही बात की जनन्स की, तो नंस इन्होंने कुल दिए थे 25, वही इन्होंने 1 भी विकेट नहीं छटकाई। उसके बाद मैथ्यू पार्किंसन, जो कि 5वें नंबर पे आते हैं, और इन्होंने भी कुल 20 गेंदे की थी, जिसमें से इन्होंने 6 डॉट गेंदे भी की। वही इन्होंने 27 रन दिए और मैं आपको बता दूं कि इन्होंने 1 विकेट भी छटकी। उसके बाद आते हैं कैल्वी हार्लेसन, जिन्होंने की कुल 15 गेंदे की और इन्होंने 15 गेंदे खेल के 1 भी डॉट गेंद नहीं की, यानी सिर्फ 1 ही डॉट गेंद की। और उसके बाद इन्होंने कुल 23 रन दिए और उसके बाद इन्होंने 1 भी विकेट नहीं चटकाई। तो दोस्तों ये तो बात कर ली हमने बॉलिंग के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि ओवर इनविजिबल्स बैटिंग कर रही थी और मैनचेस्टर ओरिजिनल्स बॉलिंग कर रही थी। तो अब हम लोग देखते हैं दूसरी इनिंग के बारे में। तो आप सभी को पता ही होगा कि दूसरी इनिंग में बैटिंग कर रही होगी मैनचेस्टर ओरिजिनल्स वाली और बॉलिंग कर रही होगी ओवर इनविजिबल। तो चलिए देखते हैं पहले इनिंग का हाल। दोस्तों मैंने कहने का मतलब दूसरी इनिंग से था, तो दूसरी इनिंग में ओपनिंग करी थी फिलिप शॉर्ट ने और जोस बटलर ने। फिलिप शॉर्ट ने कुल 5 गेंदों में 4 रन बनाए, वही इन्होंने 1 चौका जड़ा था और इन्होंने 1 भी छक्का नहीं जड़ा था। और इनकी स्ट्राइक रेट आई थी 80 की और इनको आउट करने वाले प्लेयर का नाम था सैम करन और इनका कैच पकड़ा था कॉनी इंग्राम ने। वही दूसरी विकेट गिरी थी जोस बटलर की, जोस बटलर ने कुल 10 गेंदों में 8 रन बनाए थे, इन्होंने 1 चौका जड़ा था और वो 1 भी झक्का नहीं जड़ पाए। इनकी स्ट्राइक रेट आई थी 80 की और नारायण की बॉल पे जोस बटलर आउट हो गए और इनका कैच पकड़ा था कॉनी इंग्राम ने। तीसरे प्लेयर थे जो क्लॉक, जो कि तीसरे नंबर पे आए थे और इन्होंने 10 गेंदों में कुल 15 रन बनाए थे। वही इन्होंने 2 चौके जड़े, वही इन्होंने 1 भी छक्का नहीं जड़ा था। वही इनकी स्ट्राइक रेट रही थी 150 की और मैं आपको बता दूं कि ये रिस चॉबले की बॉल पे आउट हो गए थे और इनका कैच पकड़ा था सैम्पलिंग्स ने, जो कि 1 विकेट कीपर भी है।
तो जी तो बात के लिए हमने टॉप ऑर्डर्स वाले के बारे में जो कि आउट कैसे हुए थे और इन्होंने रन कितने बनाए थे और पांडिचेरी सबके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं बाकी के टीम के बारे में। दोस्तों वैसे उससे भी आके हैं तो जैसे कि आप सब लोग अपनी स्क्रीन पे साफ साफ देख पा रहे हो गए चौथे नंबर पे आए थे कोहली मन्नो जिन्होंने की 22 गेंदों में कुल 26 रन बनाए। वही इन्होंने 3 चौके और 1 छक्का चढ़ा था। वही इनकी स्ट्राइक रेट थी 118.18 की। वही बात की जाए कि कोहली मन्नो आउट कैसे हुए थे तो कोहली मन्नो आउट होते हैं ट्रांसवाटर और चेसन रॉय ने उनका कैच पकड़ा था। वही दूसरे प्लेयर थे टॉम लैम्पोनी जो कि 3 गेंदों में 2 रन बना के आउट हुए और इन्होंने एक भी बाउंड्री नहीं चढ़ी थी। वही इनका स्ट्राइक रेट आया था 66.67 का। वही टॉम लैम्पोनी डेथ एंड शॉर्टर की बॉल पे आउट हो गए थे और इनका कैच पकड़ा था कोहली इंग्राम ने। तो ये तो बात के लिए 2 विकेट की। वही बात की जाए तीसरी विकेट की तो तीसरी विकेट भी गिरी थी 40 पैकेट की जिन्होंने की कुल 37 रन बनाए थे वो भी 29 गेंदों में। उन्होंने 2 चौके और 1 छक्के चढ़ा था। वही इनकी स्ट्राइक रेट आई थी वह 27.59 की। वही सेम करन की बॉल पे आउट हो गए और इनका कैच पकड़ा था चेसन रॉय ने। और दोस्तों वही बात करी जाए अगले प्लेयर की तो मैं आपको बता दूं कि अगला प्लेयर है टॉम हार्टले और मैं आपको बता दूं कि उसके बाद के प्लेयर थे फैट क्लासिन। इन दोनों ने कुल 3 गेंदें खेली थी लेकिन टॉम हार्टले ने 5 रन बनाए। वही फैट क्लासिन ने 3 रन बनाए और इन दोनों में से किसी ने भी बाउंड्रीज नहीं चढ़ी थी। वही टॉम हार्टले का स्ट्राइक रेट था 166.67 का। वही फैट क्लासिन का स्ट्राइक रेट था 100 का। उनमें आपको बता दूं कि ये दोनों आखिरी तक नॉट आउट रहे थे। तो ये तो बात के लिए हमने पूरे के पूरे बैटिंग के बारे में सेकेंड इनिंग की। वही बात की जाए एस्ट्रास की तो मैं आपको बता दूं कि वाइट कुल 5 करे लैग पाए 6 थी। वही नो बॉल भी 2 करे। वही स्कोर था कुल 136 वो भी 7 विकेट की राखी वो भी 100 गेंदों में। वही इनका रन रेट है 1.36 का। यानी दोस्तों इतने सारे एस्ट्रास के बाद भी चोटों जीतता था वही मैच हार गया इस बार भी। यानी दोस्तों यहाँ पे ऐसा हो रहा कि जो भी टॉस जीतता है वही मैच हारता है। जैसे वुमेंस वाले में जो पहले मैच था और जो ये मेंस वाले में पहले मैच था दोनों में मैनचेस्टर ओरिजिनल्स ने टॉस जीता लेकिन जीतती दोनों पर ओवर इनविजिबल्स भी। दोस्तों ये थोड़ी सी अजीब सी बात है और सबसे ज़्यादा चौंकने वाली बात तो ये है कि इतने एशेज के बाद में रन इतने कम बने। यानी आप सोचो पर एशेज थे और रन इतने कम बने। भाई जो पहली इनिंग थी उसमें तो एशेज थे वहाँ पे भी रन मतलब कम थे लेकिन सही से थे। तो दोस्तों वही बात करी जाए जहाँ पे आप जैसे कि इसकी में से कि इनिंग की बॉलिंग दे गए होंगे। हमने सब जीतों के बारे में तो चर्चा कर चुके हैं बस ये बॉलिंग की पची। तो चलिए इसके बारे में अब हम लोग जल्दी जल्दी चर्चा कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सैम करन ने कुल 20 गेंदे की जिसमें से इन्होंने कुल 7 डॉट गेंदे की और इन्होंने 7 डॉट गेंदे करके कुल 27 रन दिए। वही इन्होंने 2 विकेट निकाली। वही बात की जाए दूसरे विकेट की तो नहीं यानी दूसरे प्लेयर की तो दूसरे प्लेयर थे साकिब महमूद जो कि एक बॉलर है और इन्होंने कुल 5 गेंदों में 3 डॉट गेंदे की और इन्होंने कुल 6 रन दिए। दोस्तों इससे हमें साफ पता चलता है कि इन्होंने 2 गेंदों में 6 रन दिए थे। वही बात कही जाए तीसरे प्लेयर की तो तीसरे थे सुनील नारायण जिन्होंने के पूरे 20 गेंदे की और इन्होंने 8 डॉट गेंदे भी की थी। वही इन्होंने कुल 22 रन दिए। वही इन्होंने 1 विकेट निकाली। वही बात की जाए चौथे प्लेयर की तो चौथे प्लेयर थे जिन्होंने की कुल 15 गेंदे करी और इन्होंने कुल 6 डॉट गेंदे करी और इन्होंने 6 डॉट गेंदे करके कुल 25 रन दिए। वही इन्होंने भी कुल 1 विकेट निकाली। वही फिर उसके बाद पांचवें प्लेयर का नाम है विल जैक्स जिन्होंने की 5 गेंदे की और 2 डॉट गेंदे की उसके बाद 8 रन दिए। वही सिरो इन्होंने भी 1 पे विकेट नहीं निकाली। उसके बाद आते हैं नटान सोटर और उन्होंने भी कुल 15 गेंदे की जिसमें से कि इन्होंने 4 डॉट गेंदे की और इन्होंने 18 रन देख के कुल 2 विकेट निकाली। वही उसके बाद टॉम करन जिन्होंने के पूरे 20 गेंदे की। दोस्तों मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि दोनों ही भाइयों ने पूरे के पूरे 20 गेंदे करी है लेकिन उसको छोड़े टॉम करन ने कुल 20 गेंदे की जिसमें से इन्होंने कुल 6 डॉट गेंदे की है और इन्होंने 20 गेंदे खेल करके कुल 25 रन दिए है। वही इन्होंने भी कुल 1 विकेट निकाली। तो दोस्तों ये तो बात कर ली हमने पूरे की पूरी बॉलिंग के बारे में। दोस्तों वैसे तो आप इसको बोर्ड किसी भी वेबसाइट से चेक कर सकते हो लेकिन मैं आपको इसमें एक को ऐसे जीत दिखाने वाला हूँ जिसको आपको देखने का मन करता है वह 66।
और दोस्तों मैंने इस बैग को 6 ऐसे सिलेक्ट करे हैं जो सही से दिख रहे हो। यानी दोस्तों मैं इस जब भी हाइलाइट देखता हूँ तो मुझे 6 नहीं दिखते, इसका नाम मैंने को 6 ऐसे सिलेक्ट करे हैं जो आपको बड़ी अच्छे से दिख जाए। तो चलिए देखते हैं कि कैसे कैसे है ये 6। यानी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 3 ही दिखाने वाला हूँ, लेकिन आपको मजा शुरू आएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। Close till I get up, time is barely on our side. तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो आई होगी बहुत ज्यादा पसंद। अगर आई है आपको ये वीडियो पसंद तो कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, और हाँ आप हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इन सब में से कौन सा प्लेयर सबसे ज्यादा पसंद आया, क्योंकि यहाँ पे लगभग 20-22 प्लेयर तो थे। यानी मैंने आपको प्लेइंग के लिए भी बताई थी, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका इनमें से कौन सा फेवरेट प्लेयर है। तो आप हमें मिल रहे हैं डायरेक्ट अगली वीडियो में।